नमस्कार किसान भाइयों, आज हम केले की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं आप लोगों को। तो ये ध्यान दें कि केले की खेती कैसे की जाती है और क्या क्या इसमें खाद और कैसे इसका खेत बनाया जाता है, ये सब मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप बने रहें हमारी वीडियो पे। किसान भाइयों, ये बहुत ही गर्व की बात है कि देश में हमारा भारत देश बहुत ही केला उत्पादन करने में आगे है, वो एक नंबर पे आता है। केला की खेती किसी भी मिट्टी पे कर सकते हैं आप। किसान भाइयों, हम आपसे बता दें कि केले की वैरायटी G9 हाइब्रिड एक नंबर का है। और किसान भाइयों, जब केले की खेती करने के लिए खेत तैयार कर रहे हैं वो, तो आप जैविक खाद यानी कि गोबर का खाद प्रति एक एकड़ 3-4 ट्राली खाद चारों तरफ बिखेर दें। और किसान भाइयों, केले की खेती करने के लिए बेस्ट टाइम जून और जुलाई माना जाता है उन्नत के लिए। किसान भाइयों, हम आपको ये भी बता दें कि एक पौधे की दूरी दूसरे पौधे की दूरी तक 5 से 7 फीट की होनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि बात की जाए कि एक एकड़ में कितना पौधा लग जाता है, तो एक एकड़ के एवरेज से 1200 या 1250 पौधे एक एकड़ में लगते हैं। प्रति पौधे की खर्च करते हैं तो प्रति पौधे 18 से 20 रुपये का पड़ता है। और किसान भाइयों, केले के बाग में साफ सफाई की बहुत ही ज़रूरी होता है, तो पीली पत्ती हटाना और मिट्टी पौधे के जड़ पे चढ़ाना, ऐसे साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, प्लांटेशन करने के समय पे आप कौन सी खाद यूज करना चाहिए, तो आप जैविक खाद यूज करना चाहिए और समय समय पर फंगस कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड स्प्रे करना आवश्यकता होता है। किसान भाइयों, प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो 50 से 60 हज़ार रुपये हो जाता है और समय समय पर इसे देखरेख करना ज़रूरी है। और इसे प्रति एकड़ मुनाफा के बारे में हम बात करें तो प्रति एकड़ 2 से 3 लाख रुपये कमा सकते हैं आप। तो दोस्त, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।